जी आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और टिक्के की तरह ही आप खाएंगे इसको, बड़ा मज़ेदार बनता है। इसका नाम है चिकन टिक्का मसाला। इसके लिए आपको चाहिए चिकन के पीसेस, बड़े बड़े आप पीसेस करवाइएगा। अगर एक किलो का चिकन ले रहे हैं तो उसके सिर्फ चार पीसेस करवा लें। उसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए दही, दस थिक ग्रीक योगर्ट। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन टिक्का मसाला, ये रेडीमेड है, मैं शान का इस्तेमाल कर रही हूँ। लजीज़ा भी बहुत अच्छी कंपनी, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा इसमें ऑयल का इस्तेमाल होगा। जो बाकी हमने इसका एक अलग से खड़ा सा मसाला बनाना है उसके लिए आपको चाहिए प्याज यानी कि अनियंस, आपने उन्हें गोल गोल काट लेना है लाइक रिंग्स। शिमला मिर्च भी इस्तेमाल करें, दस बेल पेपर्स, इन्हें भी मैंने गुलाई में काट लिया हुआ है। दो कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, रेड एंड ग्रीन, आपकी अपनी चॉइस है आप जो रंग इस्तेमाल करना चाहते हैं। मक्खन, दैट्स बटर आपको चाहिए। ग्रीन बुलेट चिलीज है, इसका जायका ज़्यादा और तीखापन कम होता है, दरमियान में इसके दो हिस्से कर लें। ऑयल जाएगा, एक कोयला देंगे धुएं के लिए, हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे और आपको दिखाते हैं इसको बना ले लें। उसमें जो है इसकी मैरिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बीच में आप डालेंगे दही, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जा रहा है, चिकन टिक्का मसाला, और इसमें डालेंगे तेल। आपको पता है ये बाइंडिंग का काम करता है, कोई भी चीज़ पे आप मसाला लगा रहे हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और बीच में चिकन की पीसेस को डाल करके अच्छी तरह आपने इसे मैरिनेट करना है और तकरीबन इसे एक घंटा दे दें। और चिकन के पीसेस में बीच में ऐड करने लगी हूँ और तमाम को अच्छी तरह मसाला लगा। आपने चिकन को मैरिनेट करने के बाद आपने बिल्कुल थोड़ा सा तेल, आप देख सकते हैं मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल है, गर्म हो चुका है। इसमें आप तमाम चिकन के पीसेस मैरिनेशन के साथ पहले ऐड कर लें और उसके बाद आपने इसे हाई फ्लेम पर सिर्फ इतना कुक करना है कि जो चिकन है वो अपना कलर चेंज कर लें। चिकन ने परफेक्टली अपना कलर चेंज कर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लाकर के अब आप ऐड करेंगे पानी, और पानी डालने के बाद आपको पता है कि जोश का ठंडा पड़ जाता है। जैसे ही इसमें जोश दोबारा स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स बॉइलिंग, आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक करना है कि चिकन कम्प्लीटली कुक हो जाना चाहिए और पानी खो। परफेक्टली चिकन भी कुक हो चुका है हमारा, और ये नीचे गाढ़ापन जो आप देख रहे हैं ये गाढ़े दही की वजह से। अगर आप पतली दही इस्तेमाल करेंगे यानी कि लो फैट, तो उसमें कि पानी भी काफ़ी ज़्यादा छोड़ेगा और आपको टाइम लगेगा इसको कुक करने में। ज़बरदस्त सा इसका गाढ़ा मसाला हो चुका हुआ है तैयार। यहाँ पर ला करके आपने जो है इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, जो कि मैं आपको दिखाना एक्चुअली भूल गई थी, तो इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। और जो कोयला है वो आपने यहाँ पर जो इंस्टेंट कोल आपको मिल जाते हैं सारे से, उसे गर्म कर लें रेड हॉट, और जो ये चिकन है इसे निकाल करके एक अलहदा बोल में कर लें ताकि हम इसका नेक्स्ट स्टेप। अब आपने एक अलहदा देचकी लेनी जिसमें आपने जो है थोड़ा सा मैंने तेल इस्तेमाल किया है, और मक्खन को आपने जो है अच्छी तरह मेल्ट हो जाने दें। मेल्ट होता है इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि आपके अनियन के रिंग्स हैं, हल्का सा ज़रा उसको बीच में से अलहदा कर लेते हैं, ज़रा खूबसूरत भी लगता है और फ्लेवर तमाम ये फिर जो है अच्छे से पिक कर लेगा अनियन। तो ये चला गया, बीच में जाएंगी जो कि आपकी शिमला की मिर्च है, हरी मिर्चें, और इसको हाई फ्लेम पर आपने जो है सॉटे करना है सिर्फ एक मिनट। हाई फ्लेम पर आपने इसको सॉटे कर लिया, उसके बाद जो आपका चिकन है तमाम जो बीच में मसाला है उसके साथ आप इसको बीच में ऐड करते हैं। इसको मिक्स कर लें हल्का सा पहले, ऑयल लगा लेते हैं, और जो आपको कोयला दिखाया था उसे गर्म करके बीच में रखेंगे, थोड़ा ऑयल डालेंगे और धुआं सेटल होने तक आपने इसको कवर करके छोड़ दें। जैसे सेटल होता है इसमें हम डालेंगे यहाँ पर हरा धनिया, मिक्स कर लें और इसे डिश आउट कर। इधर आपने इसको मिक्स कर लेना है, उसके बाद आप इसे डिश आउट कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे। इसके साथ में पूरी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर नान के साथ में रायता चटनी, काफ़ी आपके पास वैरायटी है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ कुक विद फायजा डॉट नेट पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।